उत्तराखंड में सोमवार देर शाम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसमें प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निशुल्क टीका लगेगा। अनुमानित आबादी करीब 50 लाख है और जिसका खर्च लगभग 450 करोड़ रुपए आने का अनुमान है, जो कि सरकार करेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु 100% अग्रिम भुगतान के प्रावधान किया गया है, तथा आपूर्ति को बैंक गारंटी और अर्नेस्ट मनी आदि के औपचारिकताओं से इसे मुक्त रखा गया है। सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500 से 700 रुपए कर दिया गया है। महाकुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों की फिलहाल यथावत व्यवस्था रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात किए गए चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा। जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज करने हेतु पत्रकारों के प्रेस कार्ड को भी कर्फ्यू पास माना जाएगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट रहेगी। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है। कैबिनेट ने राज्य को जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक ना निकलने की अपील की है। जन जागरूकता और जन सहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है। राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा RBI के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया जाएगा। DIT और यूनिसन अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है। 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीकों में 90% कोविशील्ड और 10% कोवैक्सीन का टीका लगेगा। ऐसी ही अहम खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए परवीन सिंह, नई दिल्ली से।